हेलो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट 3 है, तो जिन भी कैंडिडेट्स ने पहले दो प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है वो पहले दो प्रैक्टिस सेट को देख ले। और आज के इस वीडियो में हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे मैथ के। तो फटाफट से क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। तो पहले क्वेश्चन है आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट से, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं। कैसे इसको अटेम्प्ट करना है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि द नंबर ऑफ ईयर टेकन फॉर अ सम ऑफ ₹5,000। तो ये प्रिंसिपल है, सम लिखा है इसके आगे, बिकम्स ये हो जाती है कितनी, 5,832। तो ये अमाउंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 16%, कंपाउंडेड हाफ ईयरली यहाँ पर लिखा गया है। तो जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा आता है तो हमें पता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाफ हो जाता है, यानी कि 16 का हम हाफ करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास कितना चलेगा, 8% का यहाँ पर चलने वाला है। इस क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से करेंगे क्योंकि ये रेशियो मेथड से ज्यादा यहाँ पर ईजी रहेगा। तो प्रिंसिपल आपके पास 5,000 दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है, सॉरी अमाउंट दे रखी है 5,832। कटिंग करेंगे इसकी तो ये 2,500 पे कैंसिल होगा, और कटिंग करेंगे यहाँ पर तो 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, और कटिंग करेंगे इसकी तो ये आ जाएगा 1,250, और कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, और कटिंग करेंगे तो 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। ये हमारे पास बनेगा 25 का स्क्वायर, और ये बनेगा हमारे पास कितना, 27 का स्क्वायर। अब हमें ये देखना है कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो अगर हम 25:27 फर्स्ट ईयर में आते हैं तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारे पास इंटरेस्ट लगा वो 2 का लगा, तो ये 2 का जो इंटरेस्ट है ये 25 पे अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 8% आएगा, जो कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें मिल रहा है हाफ करने के बाद। तो यानी कि जो ये पावर में आया ये हमारे पास टाइम है, और ये टाइम कब है, जब जो एक्चुअल टाइम दिया होगा हमने उसका डबल किया होगा तब जाके हमें ये 2 ईयर मिला होगा। तो टाइम जो हमें एक्चुअल दिया था वो कितना दिया था, इसी कटिंग करेंगे तो 1 ईयर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा करेक्ट। यानी कि 5,000 जो है वो 5,832 हो जाएंगे 16% के हिसाब से, कंपाउंडेड हाफ ईयरली अगर टाइम कितना दिया जाएगा, 1 साल का जो है वो दिया जाएगा। तो टाइम जो है ये 2 कब आया होगा, जो हमारे पास यहाँ पावर में जो टाइम है ये 2 कब आया होगा, जब हमने टाइम का डबल किया गया होगा। तो टाइम का डबल करेंगे तो 2 ईयर आएगा, तो टाइम एक्चुअल में कितना दिया होगा, क्वेश्चन में कितना दिया गया होगा, 1 साल यहाँ पर दिया गया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास एजिस वाले चैप्टर से है। इसमें बोला गया है कि शाम प्रेजेंट एजिस, शाम की जो प्रेजेंट एज है वो 3 टाइम्स है, किसका 3 टाइम्स, अपने बेटे की एज का। After 10 year, the sum of their ages, उनकी ages का sum जो है वो 76 year हो जाएगा। Present age of शाम बतानी है कि क्या होगी। इसको हम by option attempt करेंगे। तो by option मैंने शाम की एज मान ली कि 42 year है, तो शाम की एज हमने कैलकुलेट कर ली by option की 42 year है, तो उसके जो सन की एज आएगी वो, ये अपने सन की एज का 3 टाइम्स है, तो यानी कि इसके जो सन की एज आएगी वो इसके डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 14 year होगी, 14 का 3 टाइम्स करेंगे तभी 42 आएगा। आफ्टर 10 ईयर बोल रहा है तो हम इसमें 10 ईयर ऐड कर देंगे तो ये 52 हो जाएगा, इसमें 10 ईयर ऐड करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। कह रहा है कि 10 ईयर के बाद इनकी एज का जो सम है वो 76 आना चाहिए, तो 52 और 24 को ऐड करते हैं तो 76 हमारे पास दोनों की एज का सम बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एजेस वाले क्वेश्चन को आप बाई ऑप्शन अटेम्प्ट करेंगे तो ज़्यादा ईजी यहाँ पर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन हमारे पास, हाफ ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन 1/3 ऑफ दैट नंबर बाय 17। तो कह रहा है कि कोई नंबर है उसका हाफ अगर हम करते हैं, तो एक्स का अगर मैं हाफ करता हूँ ये ग्रेटर है, ज्यादा है किससे, 1/3 ऑफ दैट नंबर बाय कितने, 17 से ये ज्यादा है। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस में 2x इज इक्वल टू कितना, 17। एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 102 आ जाएगी, यानी कि जो नंबर था वो था हमारे पास 102। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिंपलीफिकेशन वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये कहता है कि एक बोतल है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 80 लीटर है, उसके अंदर एल्कोहल एंड स्पिरिट है 7:3 में। हाउ मच स्पिरिट मस्ट बी एडेड टू द मिक्सचर सो द रेशो ऑफ द एल्कोहल एंड स्पिरिट विल बी 2:1। तो हमारे पास एल्कोहल है और स्पिरिट है। एल्कोहल पहले कितनी थी, 7:3 में था। कह रहा है कितना स्पिरिट ऐड किया जाए कि रेशो अब हमारे पास क्या बन जाए, 2:1 बन जाए।
तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि हमने स्पिरिट को ऐड किया है, अल्कोहल हमने ऐड नहीं किया है, तो यानी कि अल्कोहल की जो क्वांटिटी पहले थी अभी भी वही क्वांटिटी यहाँ पर रहनी चाहिए। अल्कोहल की क्वांटिटी ऊपर पहले 7 थी, अब कितनी है? 2 है। तो इन दोनों को हम सेम करेंगे, तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को हम 7 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे अल्कोहल और स्पिरिट की जो क्वांटिटी है, रेशो है, तो ये आ जाएगा 14:6 और यहाँ पर आ जाएगा 14:7। यानी कि अल्कोहल पहले भी 14 था, अब भी 14 है, स्पिरिट पहले 6 थी, अब कितनी होगी? 7 हो गई। तो कितनी स्पिरिट हमने ऐड करी? 1 यूनिट हमने ऐड करी है। पहले टोटल क्वांटिटी कितनी थी? 20। तो 20 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे, तो 20 यूनिट की वैल्यू 80 हमें दे रखी है, 1 की आ जाएगी 4। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? हमें 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4 लीटर। यानी कि हमने कितनी स्पिरिट ऐड करी है? ऑप्शन नंबर डी 4 लीटर हमने ऐड किया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो था वो आपका मिक्सचर एलिगेशन और रेशो दोनों का मिक्सचर था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन, आपके पास ABCD अ रेक्टेंगल है, आपको बताना है कि एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर निकालिए। रेक्टेंगल में हमारे पास जो होता है अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो यानी कि एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 12 है और एक्स माइनस वाई की जो वैल्यू है वो 8 है। दोनों को सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा, तो 2x = कितना आएगा हमारे पास से? 20, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10। अगर एक्स की वैल्यू 10 है तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो देख लेते हैं कि x 10 और y 2 कौन से क्वेश्चन में है। ऑप्शन नंबर ए ही में ही है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू कितनी है? 2। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके पास मिक्सचर एलिगेशन से है। इसमें बोला गया है कि मिल्क एंड वाटर जो है वो ए और बी दो वेसल हैं, दो बर्तन हैं, जिसके अंदर मिल्क एंड वाटर की रेशो दे रखी है। मिल्क एंड वाटर की रेशो दे रखी है ए और बी वेसल में। तो ए और बी में, ए में जो मिल्क एंड वाटर है वो है 3:2 में, और बी में कितना है हमारे पास? 4:3 में। कह रहे हैं कि इन दोनों को मिक्स किया गया 1:2 में, तो आपको बताना है कि फाइनल मिक्सचर कितना बनेगा। तो इसको सिंपल सब मेथड में आपको बता देता हूँ। आपने पहले क्या करना है, टोटल क्वांटिटी देख लेनी है कितनी है। तो यहाँ पर टोटल क्वांटिटी 5 है, यहाँ पर 7 है, दोनों क्वांटिटी को हम कर देंगे सेम, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, और इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बर्तन ए में यानी कि वेसल ए में 7 3 21 और 14 आ जाएगा, = कितना हो जाएगा? 7 5 35। और वेसल 2 में 4 5 20, 3 5 कितना हो जाएगा? 15 = 5 7 35। दोनों जगह क्वांटिटी सेम हो गई है। क्वांटिटी सेम करने के बाद आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को जिस रेशियो में मिलाया जा रहा है उस रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि पहले वाली रेशो को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वाले को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपके पास आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20:14 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो ये 40 कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो ये 61 आ जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो ये 44 आ जाएगा। यानी कि इन दोनों को जब मिलाया गया 1:2 में, तो आपके पास जो रेशो बनी वो 61:44 बनी। इजी मेथड मैंने आपको बताया है, पहले क्वांटिटी सेम करो, फिर जिस रेशो में मिलाया जा रहा है उस रेशो से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर यहाँ पर गिवन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास मेंसुरेशन से है, आपका 3D फिगर जो होती है वहां से है ये क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर आपको बताना है, रेडियस आपको दे रखी है। तो हमें पता है कि जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर होता है वो होता है 3πr². तो यहाँ से 3 × π × r की वैल्यू आपको दे रखी है, यानी कि √25/π² इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास बचेगा 3 × π × 25/π, π से π कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 75 m² यूनिट स्क्वायर जो भी आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके पास जो है मेंसुरेशन से ही है, 3D फिगर से। इसमें बोला गया है कि टोटल सरफेस एरिया बताना है किसका, सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर का। रेडियस आपको दे रखी है, हाइट आपको दे रखी है। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है किसका, सिलेंडर का, वो होता है हमारे पास 2πr (h+r) होता है। सारी वैल्यू आपको दे रखी है, तो 2 × π की वैल्यू होती है 22/7। रेडियस आपको 7 दे रखी है, हाइट आपको 8 दे रखी है, रेडियस 7 आपको दे रखी है। कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाय कितना? 15।
और 44 मल्टीप्लाई बाई 15 करेंगे तो 660 आपके पास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 660 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास जो था वो टोटल सरफेस एरिया था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास पाई चार्ट से है, तो जैसा कि आपको दे रखा है यहाँ पर दिया गया है, द फॉलोइंग पाई चार्ट शो द डिफरेंट कलर्ड ड्रेसेस हैं 60 स्टूडेंट इन अ पार्टी। तो डिफरेंट ड्रेसेस कलर हैं और 60 स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं पार्टी के अंदर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या गया है, द डिग्री यानी कि सेंट्रल एंगल बताना है किसका, ब्लू ड्रेस कलर का, विच रिप्रेजेंट 40%। तो ब्लू ड्रेस कलर का जो है वो डिग्री में बताना है कितना एंगल यहाँ पर बनने वाला है किसका, ब्लू ड्रेस कलर का जो 40% को रिप्रेजेंट करता है इसको। तो 100% जो है वो 360 डिग्री के इक्वल है, तो 1% जो होगा वो 360 डिवाइडेड बाय 100 के इक्वल होगा। 40% का हमें निकालना, तो 360 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 40, जीरो से ये जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा 6424 टू 144 डिग्री, यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएगा डी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो 144 डिग्री जो होता है वो सेंट्रल एंगल बनेगा ब्लू ड्रेस का। तो ये थे आज के सेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है सभी के सभी क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो सेशन को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम और क्वेश्चन आपके लिए बढ़ा सके और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके लिए लेके आ सके। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।